एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
गुरु नाम दा जहाज ओ संग तो नाम दा जहाज बनाया ओ आओ जी ने पार लंघना जी जन्म तुम्हारे लेके
अनंत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मान माने जन को पूरन दीजे जन को पूरन दीजे जन को पूरन दीजे बहुत जन्म बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल हाँ बल बल जाओ कारने कारण कवन अबोल कारण कवन अबोल कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछड़े लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लेके
जन्म तुम्हारे लेके, 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 जन्म जन्म तुम्हारे लेके, 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 जन्म तुम्हारे कभी भी सेवा सिमरन नितनेम करके अहंकार ना आवे। जो गुरु ने सेवा जिस जिससे ली है वो आज शुक्राना करे, सतगुरु तेरी कृपा है तूने मेरे से ये सेवा ले ली, नहीं तो ये पैसे जो मैंने इस सेवा में डाले हैं हो सकता है डॉक्टर की फीसें भी भरनी पड़ जाती, शायद वकील भी ले जाते पैसे, शायद रस्ते में आके चोरी पड़ जाते। शुक्र है मेरी ये सेवा आपने सेवा कबूल की। धन की सेवा कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। गुरु के घर में तीन प्रकार की सेवा, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। तन मन धन सब दे के फिर हुक्म को मानना, जो गुरु आखे सत बचन। कल हम किसी प्रेमी के घर गए, वहां छोटे छोटे बच्चों ने बहुत प्यारा एक हमको पहुंचने पे कार्ड दिया और बड़े प्यार से उन्होंने कुछ बातें लिखी कि हे प्रभु हमारे पे कृपा करना, हमें नाम का दान बख्शो, हमें सत्संग बख्शो। छोटे छोटे बच्चों की अवस्था, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, बच्चों की भावना देखो वो क्या लिखते हैं। प्रभु हे सतगुरु हम पे कृपा करना, हमें नाम का दान बख्शो, हमें नाम का दान दो, सत्संग दो, अमृत वेला दो, सुख शांति दो, संतोष दो। हे प्रभु इतनी ऊंचाई ना देना कि धरती पराई लगने लग जाए। बच्चों की अवस्था कितनी ऊंचाइयों पे मत उड़ा देना मुझको कि नीचे जो पड़े हैं मैं उनकी तरफ कभी देखूं भी ना।
कभी मैं मोटर पे चढ़ के जाऊं तो मैं ये भी रस्ते में नजर डालता जाऊं, तेरा कितना शुक्र है एक वो भी हैं जो सड़क के किनारे बैठे हैं। प्यार से बोलो श्री हे प्रभु, इतनी ऊंचाई ना देना कि धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियां ना देना कि दुख पर भी कभी कभी हंसी आने लगे, क्योंकि जीवन में जो खुशी आई है तो कुछ दिन दुख के भी आएंगे। प्यार से बोलो श्री नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर पल पल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे देना, ऐसा ज्ञान कभी मुझे मत देना कि अभिमान जिसका होए और रोने लगे। प्यार से बोलो श्री ऐसी चतुराई भी ना देना कि अभिमान जिसका रोने लगे, मुझे बहुत ही सियानप नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे चरणों का प्यार और वो भोले भाव की भक्ति चाहिए जेड़ी भक्ति तूने धन्य भगत को दी थी। प्यार से बोलो श्री गुरुदेव कहते हैं चतराई सियानपा किते काम न आइए, तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाई। गुरु के घर में आके चतुराई मत करो, सियानप मत करो। संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे जो सांप होता है ना, जब वो अपनी खुड में जाता है वो भी सीधा होके जाता है। सांप की चलने की गति दूसरी है, वो घूम घूम के ऐसे चलता है, कभी देखो ना धरती पे। पर जब वो अपने घर में घुसता है ना, बिल में जाता है अपने खुड में, तो सांप सीधा हो जाता है, उस वक्त टेढ़ा टेढ़ा नहीं चलता। बोला बेशक जहां मर्जी टेढ़ा टेढ़ा चल, पर जब अपने गुरु के द्वारे पे आ जा तब तो सीधा हो जा। प्यार से बोलो श्री, उस वक्त तो सीधा हो। हम गुरु के घर में भी आके टेढ़े ही चलते, अभिमान में चलते हैं। तो गुरुदेव कृपा करें, ये समागम इसीलिए किए गए हैं कि जो हमारा टेढ़ापन है ना बिंगा, घड़े के साथ कुम्हार की कोई दुश्मनी नहीं, उसको ऊपर से पिटाई कर रहा है, कूट रहा है, ऊपर से ठोकर भी मारता है, नीचे हाथ भी रखता है। ऊपर से ठोक क्यों रहा है कि इसके वलविंग निकल जाए, इसकी बनावट खराब ना रहे, बात सुंदर बन जाए, एक जैसी हो जाए। ऊपर से चोट देता है, नीचे से हाथ रखता है, क्यों टूट ना जाए, टूट गया तो कीमत खत्म। अखेर सेवक कुंभ कुंभियार गुर, घड़ घड़ कटे खोट, सतगुरु हेठा हाथ दे उतो मारे चोट। प्यार से बोलो श्री, सतगुरु नीचे से हाथ देता है, ऊपर से चोट मारता है, कभी कभी गुस्सा भी करता है हमको, पर सतगुरु कहते हैं जे गुर झिड़के तो मीठा लागे, जे बख्शे तो गुर बड़ी आई। झिड़क देता है किस लिए, अब धोबी का कोई कपड़े से वैर तो नहीं, कभी जाके देखो ना नदी किनारे कैसे उसको उल्टा के मारता है, फिर कभी कभी डंडा भी मारता है। अब बोले भाई धोबी का कपड़े से वैर का नहीं, कपड़े की मैल से वैर है। तो गुरु की कभी कभी हमें, हम कहते हैं हमको बड़ा दुख लग गया, इसलिए कभी कभी दुख का देता है कि उसकी याद बनी रहे। प्यार से बोलो श्री, भगवान कृष्ण जी बैठे थे, सबने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। जब कुंती की बारी आई, कुंती मांगो क्या मांगती हो, बोला महाराज मेरी झोली में दुख डाल, मुझे दुख दे। भगवान कहने लगे आज तक मेरी से किसी ने दुख नहीं मांगा, जो आते हैं सुख ही मांगते हैं,
तू दुख क्यों मांगती है? बोली, महाराज जी इसलिए दुख मांगती हूं कि आपकी याद बनी रहे। दुख इसलिए मांगा तेरी याद बनी रहे। कभी कभी सुख पाके हम भूल जाते हैं, दुख में तू याद रहता है, इसलिए दुख में याद मांगी है, और कोई कारण नहीं दुख मांगने का। प्यार से बोलो श्री गुरुदेव। कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया, दुख दवाई है। देते हैं कभी कभी भगवान चेते कराने के लिए, देख सब कुछ तू नहीं है, कुछ मैं भी हूं। प्यार से बोलो श्री। ध्यान रखना उसे के सिर के ऊपर छुरी चलती है जो मैं करता है। कभी बकरे को देखा, मैं कैसे आ जा। प्यार से बोलो श्री। सदना भी रोज यही काम करता था, बाद में बहुत बड़ा भगत बन गया सदना, पहले कसाई था। गुरुदेव कहते हैं नामदेव जी धोबी कबीर जी जुलाए, रविदास जी जुतियां गड्ढन का काम करते थे, सैन जी नाई थे, सदना जी कसाई थे। इनका पिछला जीवन देखो, पर संतों की संगत मिल गई, किसी गुरुमुख का संग हो गया। उसने कहा ला भाई तेरे कपड़े को मैं रंग दूं, तेरे कपड़े को मैं रंग दूं। संत लिलारी होते हैं, लिलारी कपड़ा रंगाना हो लिलारी को देना पड़ता है। बोले सतगुरु सच्चे भी लिलारी हैं, संत भी सच्चे लिलारी हैं, हमारे मन को परमेश्वर के नाम में जब रंग देते हैं तो फिर हमें वाणी मिठी लगने लगती है। संत संग अंतर प्रभु दीठा, नाम प्रभु का लगा। वो बंदे जो कभी जिन्होंने एक पाठ जपजी साहब का जीवन में नहीं किया। संतों की संगत मिल गई, दिन में कई कई पाठ जपजी साहब के करने लग पड़े। ऐसे ऐसे बंदे देखे जीवन में जो सुबह से शाम तक पता नहीं एक दो बोतलें पी जाते थे। प्यार से बोलो श्री। मैं नाम नहीं लेता उस चीज का, पीने से नशा आता है। एक एक दो दो बोतलें रोज पीनी, पर संत की संगत हो गई, जो दो दो बोतलें रोज पीते थे वो पांच पांच पाठ सुखमनी के करने लगता। तो बड़े प्यार से आप गुरु बाबा का समागम मना रहे हो। भाई गाजन दास जी ने कहा दो दिन कीर्तन ही करते रहे, कुछ कथा भी सुनाइए। मैं कि हमें आता ही कुछ नहीं। प्यार से बोलो श्री। बड़ा प्यारा भजन उन्होंने सुनाया मुझे। कहने लगे एक बंदा हजूर साहब जा रहा था। प्यार से बोलो धन गुरु गोविंद सिंह से। रस्ते में वो एक बस में बैठा, तो उस गुरसिख प्यारे ने क्या देखा। हम भी अपनी गाड़ी में आगे गुरु साहब का फोटो लगाते हैं, कई बसों में भी लगे होते हैं। तो उस गुरसिख प्यारे ने देखा कि बस में आगे ड्राइवर की सीट के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का फोटो लगा है, गुरु साहब घोड़े पे बैठे। उस गुरसिख प्यारे ने देखा भाई गाड़ी चलाने वाला बस चलाने वाला मुसलमान है, बस का ड्राइवर भी मुसलमान, कंडक्टर भी मुसलमान, बस पे फोटो लगाई है गुरु गोविंद सिंह की। उस गुरसिख के प्यारे में मन में आया शायद हो सकता है ये दोनों नौकर हो, इनका मालिक कोई सरदार हो।
उसने कंडक्टर से पूछा, भाई बस में गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाई है, तुम तो मुसलमान हो, लगता है ये बस किसी सरदार जी की है। उन्हें कहा, नहीं, इस बस का मालिक भी मुसलमान है। और ऐसी एक बस नहीं, उसके पास पूरी 100 बसें हैं और सब 100 की 100 बसों में गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगी। एक बारी प्यार से बोलो, धन गुरु गोविंद सिंह। सुनने की बात, उसकी उत्सुकता जाग गई, भाई एक मुसलमान होके गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगाई, चलो एक बस में लगा ली, 2 में लगा ली, 100 बसों का मालिक है मुसलमान, रहता कहां है? उसने कहा रीवा, रीवा शहर, रस्ते में रीवा शहर। उन्हें क्या, भी ठीक है, दर्शन करके वो सचखंड हजूर साहब से वापसी पे रीवा उठे पहुंचिया। पता उसने लिख लिया था उसके घर का, जाके उसके घर पहुंचा। उससे जाते ही पूछा, भाई मैं हजूर साहब से आया हूं, तुम्हारी बस में मैंने यात्रा की, मैंने सोचा ड्राइवर मुसलमान, कंडक्टर मुसलमान, हो सकता है इस बस का मालिक कोई सरदार जी हो, पता लगा कि वो भी मुसलमान। और एक नहीं, इसकी 100 बसें हैं, सब में गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगी है, तो मैं गुरु गोविंद सिंह का सिख हूं। मेरे मन में आया कि मैं पूछूं, भाई तुझे ये लगन कैसे लगी? प्यार से बोलो श्री। उन्हें कहा, भाई ये भेद की बात है, मैं नहीं बताऊं। उन्हें फिर पूछा, उसने नहीं बताया। तीसरी बार पूछा, नहीं बताई। उन्हें कहा, अच्छा नहीं बताई, तेरी मर्जी, अब मैं चलता हूं। उठ के दरवाजे तक आया, वो मुसलमान मालिक बसों का, पीछे से उसने आवाज दी अपने नौकर को भेज के, मैं उस गुरु के प्यारे को बुला लो। वो अंदर आया, उसने फिर बिठाया, उसने कहा, मेरी अंतर आत्मा से आवाज आई है कि मैं तुझे बात जरूर बताऊं। कहने लगा, मैं भी बहुत पहले अमीर था, पर कारण बन गया, धन चला गया, मित्र दोस्त गलत मिल गए, विकार किए, मेरे शरीर को लकवा मार गया। प्यार से बोलो शरीर, मेरे शरीर को लकवा मार गया। अब कुछ दिन तो मेरी घरवाली ने सेवा की, रिश्तेदार भी महीना 2 महीने सब सेवा करते हैं, फिर आते हैं, ये ठीक नहीं हो सकता। कोई उनसे पूछता है, क्या हाल है लाला जी का? जी ठीक है। प्यार से बोलो श्री। धीरे धीरे परिवार भी भूलता जाता है, जो कई बारी हफ्ते में आ जाते थे मिलने के लिए, पता ये हो तो बीमारी रहता है, क्या मिलने जाए। धीरे धीरे उसका छूट गया, जिस वेले छूट गया, कोई घर का मेंबर, कोई रिश्तेदार नेड़े न लगे, शरीर को लकवा है, बिस्तरे में ही क्रिया करता है। साथ संगत दिन रात ये रोता है, मैंने बुरे कर्म किए हैं, उनका फल मिल रहा है। प्यार से बोलो श्री। बोला, किसी को दोष क्यों देते हो? दोष तो तुम्हारे कर्मों का है, दोष कर्मा पापण, जो मैं किया सो मैं पाया। कहने लगा, जहां मैं रहता था रोज वहां के आगे से नांदेड़ की तरफ संगत जाया करती थी, गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करती थी, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह बाजा वाले आ, धन गुरु गोविंद सिंह नीले वाले आ, धन गुरु गोविंद सिंह कलगियां वाले आ। प्यार से बोलो श्री। कहते मैं रोज सुनता था, एक दिन मेरे मन में आई, ये गुरु गोविंद सिंह कौन है? कहता जत्था जा रहा था
सचखंड हजूर साहब की तरफ। मैंने कहा भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले हजूर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने। उसने कहा गुरु गोविंद सिंह का नाम बहुत सुना है, एक बारी मुझे भी उसके दरबार में ले चलो। भाई तुझे लकवा मारा हुआ है, कौन लेके जाएगा तुझे? कहता उस जत्थे ने नहीं ले गया, दूसरा जत्था आया वो भी नहीं ले गया। बोला एक गड्ढे वाला आया, मैंने उसको बेनती की भाई मुझे ले चल हजूर साहब। उसको तरस आ गया, उसने उठा के अपने बंदों से मुझे गड्ढे में डाला पीछे। जब हजूर साहब पहुंचने लगे तो बाहर कुछ दूरी पे उसने कहा मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा, मैं तो तुझे इधर ही उतार देता हूं। बोला मुझे एक तरफ उतार के रख दिया पेड़ के नीचे। नेज से होले मोहल्ले के दिन चल रहे थे, प्यार से बोलो श्री, कहने लगा होले मोहल्ले का जुलूस निकल रहा था। होले मोहल्ले के जुलूस में गुरु गोविंद सिंह जी के जो अंश के घोड़े हैं, उस घोड़े के ऊपर गुरु की काठी डाल के संगते जयकारे छोड़ती हुई कीर्तन करती हुई चलती हैं पीछे पीछे। नगर कीर्तन ऐसा किसी ने सचखंड हजूर साहब में देखा हो तो उसको जरूर पता हो। प्यार से बोलो श्री। दास की कथा हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी अहमदाबाद की सिंधी संगत जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकती, उनको ये समझ आवे कि गुरु की वडियाई क्या है, गुरु की वाणी क्या है। साथ संगत कहने लगे गुरु का घोड़ा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह के अंश के घोड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अंश जो गुरु साहब जी पे सवारी करते थे घोड़ों पे, उस घोड़ों की अंश अभी भी है वहां, और बड़ी उनकी देखभाल की जाती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो घोड़ा था उस घोड़े की अंश, उस वंश उस नस्ल के घोड़े गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, होले मोहल्ले पे उनको निकाला जाता है नगर कीर्तन में। आगे आगे वो घोड़ा चलता है, उसके ऊपर काठी डालते हैं, गुरु के प्यारे शब्द गाते हुए पीछे पीछे चलते हैं, इस भावना से कि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। प्यार से बोलो श्री। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चले। तो बोला वो घोड़ा पता नहीं उसको क्या हुआ, बेकाबू हुआ वो घोड़ा, भागता भागता मेरे पास आ गया। घोड़े ने आते ही पहली लात मेरे सिर पे मारी, दूसरी लात मेरी बाजू पे मारी, तीसरी लात घोड़े ने अपनी मेरी लात पे मारी, तीन लातें लगी, मैं उठ के खड़ा हो गया। भावना की बात है, सिद्ध की बात है, भरोसे की बात है, गुरु क्या नहीं कर सकता। महाराज जी कहते थे गुरु नानक देता कुतिया विच भी करामात है, वो तो गुरु का घोड़ा है। बोला तीन लातें मुझे लगी, मेरे शरीर में जो रक्त रुक गया था लकवे का वो रक्त चल पड़ा, पता नहीं मैं उठ खड़ा हुआ। पीछे से वो गुरु के सिंह आ गए भागते हुए, भाई घोड़ा कहाँ है? जब आए तो वो घोड़ा मेरे पास खड़ा था, मैं भी ठीक ठाक सावधान खड़ा था। मैंने सारी बात उनको बताई, मैं उन सत्संग के सारी संगत के साथ मैं भी सचखंड हजूर साहब गया, उस गुरु के दरबार में गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में नतमस्तक हुआ जाके और कहा हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जहां दुनिया के सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तूने मेरी बांह पकड़ लिया। कहता मैं अरदास करके वापस आया, थोड़ी जो मेरे पास पूंजी थी कुछ वो
कुछ मैंने अपने दोस्तों से पूंजी उधारी ली, कुछ बैंक लोन लिया, मैंने पहली बस डाली। कहते एक बस डाली, दूजी डाली, तीजी डाली, आज मेरे पास पूरी 100 बसें हैं। वो रीवा का मुसलमान बोलता, अब मैं गुरु गोविंद सिंह की फोटो ना लगाऊं तो किसकी लगाऊं? और मैंने घोड़े पे चढ़े हुए इसलिए लगाई है क्योंकि घोड़े ने आके मुझे ठुंड मारी थी, लात मारी थी कि हे कलगियां वाले, आ जिसको तेरी लात भी पड़ जाएगी ना, उसका भी जन्म मरण सवर जाएगा। तेरे अंदर इतनी बख्शिश है तो ये गुर गिड़के तो मीठा लागे। शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना तेरा शुकराना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुँचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा न।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा
जी।